हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कॉमन क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था झारखंड टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 के बारे में, आज हम लोग वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन नंबर, अब तक हम लोग 7 तक पढ़ चुके थे, ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो 8 से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ से ये हमारा 2016 में पूछे गए प्रश्नों के सवाल हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 7 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका डिस्कस हो चुका है, इसके आगे ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि a बाय बी यानी a बटा बी बराबर 1/2 है और a प्लस बी बटे a माइनस बी है तो बराबर है, वो किसके बराबर होगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो वो -3 के बराबर होगा या फिर 1/2 के बराबर होगा या c के बराबर होगा या फिर वो 10/7 के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा देखिए, देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके। हमारे पास प्रश्न क्या है, a बटे बी ये हमारे पास है और वो कितना दिया हुआ है 1/2। अब देखिए यहाँ से इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2a क्रॉस गुना करेंगे इसको बराबर, इसको b को 1 से गुना करेंगे तो b, यानी कि इसको b बराबर 2ab हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम रखते हैं, अब हमारे पास क्या है समस्या, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको पता करना है ये किसके बराबर होगा। चलो ए के प्लस में ए ही रखते हैं, प्लस बी के जगह पे यहाँ पे 2a जो दिया हुआ इस ये जो इक्वेशन नंबर, इसको हम एक मान लेते हैं इक्वेशन नंबर एक से, बटे a माइनस बी, बी के प्लस में क्या है 2a है। ठीक है ना, इसको ऐसे रख देंगे बराबर, तो 2a प्लस a के हो कितना हो जाएगा 3a। अब देखिए 2a में एक a चला जाएगा, कितना बचेगा -1a, a और a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये -1 ये ऊपर चला जाएगा -3, तो ये हमारा विकल्प नंबर किससे मिल रहा है a से, है ना। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा a, -3 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद, ये 11 है ठीक है, 11 है ये, 11 अमरूद 1 रुपया में खरीदता है तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीद रहा है और फिर 100 अमरूद 11 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ हो रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, अगर हानि हो रहा है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। जैसा कि विकल्प में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लाभ 20%, हानि 20%, लाभ 21% और हानि 21%। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इसको देखिए यहाँ पे देखिए 1 रुपये में कितने अमरूद दे रहा है वो 11 अमरूद। ठीक है ना, ये एक केस हो गया। दूसरी बात क्या है, ये क्या है, ये उसका क्रय मूल्य है और आगे जो है एक उसका विक्रय मूल्य है, इस पर ज़रा बात करेंगे। विक्रय मूल्य क्या है कि वो 11 रुपए में 100 अमरूद लेता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अमरूद की संख्या को बराबर कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 11 है, अगर मैं यहाँ पे 100 गुना कर दूँ, ठीक है, तो इस साइड भी हमको क्या करना पड़ेगा 100 गुना करना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे 100 गुना कर दूंगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 11 गुना करना पड़ेगा, तो इसके साथ भी हमको क्या करना पड़ेगा फिर 11 गुना करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या आएगा 100 एकम 100, उसके बाद 11 को 100 से गुना करेंगे तो 1100, ये हमारा क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में इसी प्रकार से हो जाएगा, 11 को 11 से गुना करेंगे 121 आएगा,
और 100 को 11 से गुना करेंगे तो 1100 आएगा, ठीक है ना। यानी 1100 अमरुद यहाँ भी है, 1100 अमरुद यहाँ भी। यहाँ 1100 अमरुद खरीदने में हमको कितना लग रहे हैं, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, और विक्रय मूल्य यही है 1100 अमरुद खरीदने में हमारा कितना लग रहा है, 121 रुपये। यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है ना। कितना लाभ हो रहा है, 21 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि 121 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में वो ख़रीदा था, तो हमारे पास लाभ कितना निकल के आया, 21 रुपये। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने का फार्मूला है हमारे पास। लाभ जो हमारा आ रहा है वो ऊपर में रहेगा और क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100, तो देख सकते हैं 100 को रख देंगे और 100 से उसको गुना कर देंगे, यहाँ 100 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21%। तो हमारे पास लाभ हो रहा है 21% का, ठीक है ना। तो लाभ हम कहाँ पे चले जाएंगे, लाभ 21% ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग चले जाएंगे, ये हो गया इसका सही विकल्प। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चित्र में, यहाँ चित्र में देख सकते हैं आप, चित्र में कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी एक रैखिक युग्म बनाता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। फिगर में यहाँ पे इस कोण का मान क्या दिया हुआ है, 150 डिग्री दिया हुआ है, और इस कोण का मान यहाँ पे क्या है, एक्स दिया हुआ है, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। और यही बता रहा है कि कोण यहाँ पे मान लो कि यहाँ ए है, ओ है, और ये पॉइंट सी है, और ये बी है, बी ओ सी दोनों कोण जो है सो रैखिक युग्म के अनुसार बने हुए हैं। अब रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म में क्या होता है कि जो भी दो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ एक्स और 150 का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। जब हम कोण एक्स का मान निकालेंगे 180, तो जो प्लस में इधर बराबर किधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 180 में 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो हमारा 30 डिग्री इसका सही विकल्प हो जाएगा, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, वन लाइनर है ना। गणित विज्ञान है, तो गणित किस चीज़ का विज्ञान है, अंतरिक्ष का, संख्याओं का, ये भी सही है, गणना का, ये भी सही है। तो अंतरिक्ष का, संख्याओं का और गणना का, यानी कि इनमें से सभी, यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी हैं तथा 3590 के आधा शाकाहारी और 995 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों हैं, सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, 1000 70 1000 70 1444 07, इनमें से कोई नहीं, क्या ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, सभी प्रकार के जानवरों के कुल संख्या क्या है, सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। कह रहा है कि 530 मांसाहारी हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, 530 कितने हैं, मांसाहारी हैं, ये 530, तथा 3590 के आधा शाकाहारी। अब 3590 का हम लोग आधा करेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग आधा करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से करेंगे हम लोग, 2 एकम 2 2 7 14, फिर 2 9 18 और 2 5 10, यानी कि 1795, है ना, 1795, ये कुछ इस प्रकार से, इसको इरेज कर देते हैं। तो कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मांसाहारी कितने हैं, 530 हैं, और उसके बाद क्या बोला है कि 3590 के आधा शाकाहारी हैं, तो उसका हम लोग क्या कर दिए, आधा निकाल लिए, है ना, 3590 का आधा हो जाएगा 1795 हो जाता है, ठीक है। अब जब ये करने के बाद, उसके बाद 95950 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों हैं, इसमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मांसाहारी और शाकाहारी जो दोनों हैं,
ठीक है, जो दो दोनों तरह के चीज़ों को खाते हैं उनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ जानवर जो हैं 95950, ठीक है ना, इसको जोड़ देंगे 5, और यहाँ पर 9 5 14 और 3 17, ठीक है, 10 7 17, 17 और 5 22, हाथ में 2, ठीक है, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 98275। तो 98275 कहाँ पे हैं, कहीं कोई ऑप्शन पे है, ए बी सी में, तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा सही विकल्प होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन है, चित्र में ओपी कोण बीओसी तथा कोण, यहाँ पर ये कोण होगा जेड नहीं, कोण एओसी को समद्विभाजित करते हैं तो कोण पीओकी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ओपी और ओक्यू, यहाँ से ओपी ये लाइन देख लीजिए आप, और ओक्यू ये क्या कर रहे हैं, ओपी जो है सो कोण बीओसी को, कोण बीओसी, ठीक है, बीओसी यानी कि ये एंगल को समद्विभाजित कर रहा है, और ओक्यू जो है वो कोण एओसी यानी कि एओसी को समद्विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब 90 डिग्री का, अब मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, मैं फिगर ये बना दे रहा हूँ, एक हमारा रेखा है, ठीक है, ये हमारा ए ओ बी। हम बताए थे कि अगर कोणों के रैखिक युग्म से जब भी कोई दो किरणें एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, चलो ठीक है, 180 डिग्री। अब अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से बिल्कुल है ना 90 डिग्री पर एक यहाँ पर किरण डाल देंगे, तो हमारा ये जो कितना होगा, ये कितना होगा 90 डिग्री का कोण होगा, और इस साइड भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि 90 डिग्री का यहाँ एंगल है, इस चीज़ को दर्शाया है यहाँ पर, उसके बाद एक यहाँ पर कोण है, तो जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी ऑब्वियसली कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब ओ पी एक मान लीजिए कि ये हमारा समद्विभाजक है, ठीक है, यानी कि ओ पी जो है सो ये इस चीज़ को बी ओ सी को, बी ओ सी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 90 को दो भाग में बांट रहा है, मतलब ये 45 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तो ये साइड 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री है, उसी प्रकार ये भी इधर बांट रहा है 45 डिग्री में, तो ये भी हमारा कितना होगा 90 का 45, ये भी कितना होगा 45। अब हमको एंगल पूछ रहा है कहाँ, कोण, तो कोण पी ओ क्यू यानी कि पी से लेकर के, पी आना है, ओ आना है और क्यू चले जाना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है वो क्या बन करके आ रहा है, सो देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये देखिए 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, कुल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो सही विकल्प हमारा क्या होगा 90, 90 जहाँ पे होगा वहाँ पे हम ऑप्शन को टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी हुई संख्याओं में समुच्चय का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक का क्या होता है, जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उनमें से जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया होता है उन आंकड़ों का वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या है वो कौन सी है, वो देखिए यहाँ पर वन क्या कितना टाइम आया है, 1 2 3, 3 बार, और 2 कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 बार आया है, 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, उसके बाद 4 जो है सो 4 1 2, 4 2 बार आया है, ठीक है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही होती है बहुलक का, बहुलक का बहुलक होता है, ठीक है, दिए गए आंकड़ों का। उसके बाद 3 3 कितने टाइम आया है, 3 एक ही बार आया है, उसके बाद और कोई आंकड़ा नहीं है। सबसे अधिक बार आने वाला जो आंकड़ा है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है ये 2, यानी कि 2 4 बार आया है, 4 टाइम आया, तो यहाँ पर हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही विकल्प हम लोग 2 पर जाएंगे। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है,
उसके बाद क्या है, इसके बाद जो बाकी 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं 2016 में पूछे गए जो प्रश्न है जेटेट में उसके रिगार्डिंग, उसके बाद मैं जो भी मैथमेटिक्स से जो कंटेंट है उससे मैं बताऊंगा, जो उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम मैं सारी तैयारी जो है सो आगे करवाऊंगा। आप इसके इससे पहले ये लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है, ठीक है ना, यहाँ पर बताना है कि क्या सही है। देख सकते हैं यहाँ पर, तो 1000 का परवर्ती, यहाँ परवर्ती होगा ठीक है ना, यहाँ रा होगा, 1000 का परवर्ती संख्या को पूर्ववर्त संख्या 1000 है, ये तो गलत है ठीक है। एक होता है देखिए, एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है परवर्ती, तो जब कोई संख्या से ठीक आगे अगर आता है तो वो परवर्ती होता है, और पूर्ववर्ती क्या होता है, संख्या से ठीक पीछे, तो ये पीछे की ओर होगा और ये आगे की ओर होगा। तो पूर्ववर्ती जो एक संख्या पीछे होता है और परवर्ती के क्या होता है, संख्या आगे होता है। तो यहाँ पर देखिए 1000 की पूर्ववर्तों की संख्या 999 है, ये बात तो ठीक है ठीक है, 1000 की पूर्ववर्ती क्या है, है ना, 999, ये बात सही है। 1000 की पूर्ववर्ती को परवर्ती संख्या 1001 है ठीक है, 1000 की पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या 1001 है, परवर्ती संख्या 1 है, चलो ये भी ठीक है। 1000 की पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या 1002 है, तो ये गलत है ठीक है ना, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ऐसे समझना है इसको, 1000 की परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा, इसमें प्लस एक ऐड कर देंगे, ऑप्शन नंबर में ए को बना रहा हूँ अभी, ए को अभी मैं देख रहा हूँ, तो 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। अब कह रहा है 1000 का परवर्ती को पूर्ववर्ती होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर को पूर्ववर्ती संख्या 1000 है ना, तो 1000 का जो परवर्ती संख्या है उसका पूर्ववर्ती कितना है, 1000, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, तो 1001 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1000, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। चलिए यहाँ तक तो सही है, अभी आगे ऑप्शन क्या कह रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है, इसके आगे हमको जाना ही नहीं है, इसलिए हमारा सही विकल्प क्या होगा, यही होगा, हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है उस पर ज़रा हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1000 की पूर्ववर्ती, तो 1000 की पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 999, एक घटा देना है। अब उसकी बोल रहा है कि जो पूर्ववर्ती है उसका पूर्ववर्ती संख्या 999 है, अब 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 998 होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं ठीक है। ऑप्शन फिर क्या है, 1000 की पूर्ववर्ती, तो 1000, अब ऑप्शन नंबर सी में हम लोग आते हैं, ऑप्शन नंबर किस में आते हैं, सी में आते हैं। अब कह रहा है कि 1000 की पूर्ववर्ती, यानी 1000 की पूर्ववर्ती क्या होगा, 999 होगा, ऑप्शन नंबर सी को देखें तो। अब उसकी जो पूर्ववर्ती है उसका परवर्ती संख्या 1001 है, तो 999 का परवर्ती क्या होगा, 1000 ही होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि 1000 को, 1000 का पूर्ववर्ती है ना, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1001 होगा। अब कह रहा है कि उसकी जो परवर्ती है, पूर्ववर्ती है, परवर्ती संख्या 1002 होगा ठीक है, तो 1000 की पूर्ववर्ती कितना होगा, माफ़ करिएगा, 1000 की यहाँ पूर्ववर्ती है तो 999 होगा ठीक है। अब उसका परवर्ती संख्या कह रहा है कि इस, अब इसका आगे परवर्ती करिए, तो 999 का परवर्ती करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा, और जबकि यहाँ क्या है, 1002 है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, तो सही विकल्प हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर हम जाएंगे, ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प है ठीक है।